हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लुकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जैरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया। इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, आराध प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैच प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग। और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नज़र आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलो के रोल में नज़र आए और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में और अल मैड्रिगल एज अ एल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सैरोगेट भाई लुसेंस का स्वागत करता है जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपने साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दतंग पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस में मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का सीसीटीवी फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मॉर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मीलो सिखाता है कि मॉर्बियस ठीक हो गया है लेकिन जब मॉर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मॉर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मीलो उससे मिलने जाता है जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मीलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मॉर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मीलो अपने खून की लालसा से प्रेरित
अपराध को कबूल करता है और मॉर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मॉर्बियस भाग जाता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिक्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मॉर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए इस मीडिया को जारी करें। निकलोस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मॉर्बियस के लिए निकलोस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मॉर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है लेकिन उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मॉर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मॉर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लूकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जैरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अराध प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नजर आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलो के रोल में नजर आए और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपने साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दत्तक पिता और अस्पताल के निदेशक निकलोस में मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की।
जबकि वह मीलों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मिलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का सीसीटीवी फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मॉर्बियस के पीड़ित की जांच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मिलो सिखाता है कि मॉर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मॉर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मॉर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मिलो उससे मिलने जाता है जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मिलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मॉर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मिलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मॉर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है जैसे उसके पास है। अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं, मॉर्बियस भाग जाता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिग्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मॉर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए। इस मीडिया को जारी करें, निकोलस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मॉर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मॉर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मॉर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मॉर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस
तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा, और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस, और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लुकास फोस्टर, और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जैरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड, और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, आराध प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कारसो में रिलीज हुई, और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नज़र आए, और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलू के रोल में नज़र आए, और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में, और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में, और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में, और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपनी साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दतंग पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर शमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है, ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है, जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है, तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का सीसीटीवी फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मॉर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मीलो सिखाता है कि मॉर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मॉर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मॉर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में
मिलो उससे मिलने जाता है जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मिलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मॉर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मिलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मॉर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मॉर्बियस भाग जाता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिक्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मॉर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए। इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मॉर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मॉर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मॉर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मॉर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहें, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड मैट टॉलमैच लुकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो मैट स्मिथ एड्रिया आर्जोना जैरेड हैरिस एल मैड्रीगल टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया। इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स मार्वल एंटरटेनमेंट आराध प्रोडक्शंस मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कारसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नजर आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मिलो के रोल में नजर आए और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सरोगेट भाई
सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपने साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दतंग पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है, ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है, जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है, तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का सीसीटीवी फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मॉर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी सल्पितता का पता लगाते हैं। मीलो सिखाता है कि मॉर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मॉर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मॉर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मीलो उससे मिलने जाता है, जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मीलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मॉर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मीलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मॉर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है, जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मॉर्बियस भाग जाता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मीलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मीलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है, क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिक्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मॉर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए। इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मीलो को पहचानता है और उसे रोकने की विनती करता है। मॉर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मीलो घाव करता है और उसे मॉर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है, जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मीलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मॉर्बियस मीलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मीलो मर जाता है और मॉर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था, तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको
मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा, और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस, और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लूकास फोस्टर, और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जेरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड, और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए जॉन एक्सट्रैंड, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल इंटरटेनमेंट, आरात प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 10th मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई, और 1st अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट 75 मिलियन से 83 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जेरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नजर आए, और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलू के रोल में नजर आए, और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में, और जेरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में, और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में, और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपनी साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दतंग पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिथेंटित रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है, ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है, जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है, तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का CCTV फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मॉर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मीलो सिखाता है कि मॉर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मॉर्बियस उसे भी ठीक करने से
इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मिलो उससे मिलने जाता है जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मिलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मॉर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मिलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मॉर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मॉर्बियस भाग जाता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिग्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मॉर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मॉर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मॉर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मॉर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मॉर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजनाओं का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड मैट टॉलमैच लुकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो मैट स्मिथ एड्रिया आर्जोना जैरेड हैरिस एल मैड्रीगल टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया। इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स मार्वल एंटरटेनमेंट आराध प्रोडक्शंस मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नज़र आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलो के रोल में नज़र आए और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में और अल मैड्रिगल एज अ एल्बर्टो
रॉड्रिग्यूज के रोल में और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मोर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपनी साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दत्तक पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मोर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मोर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है, ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मोर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मोर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है, जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है, तो एक भयानक मोर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का CCTV फुटेज। मोर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मोर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मीलो सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली, जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मीलो उससे मिलने जाता है, जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मीलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मोर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मीलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मोर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है, जैसे उसके पास है अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मोर्बियस भाग जाता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मीलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मीलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है, क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिग्स को मीलो के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मोर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मीलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मोर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मीलो घाव करता है और उसे मोर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है, जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मीलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मोर्बियस मीलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मीलो मर जाता है और मोर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है।
जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लूकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जैरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, आराध प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नज़र आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलो के रोल में नज़र आए और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपने साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दतंग पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस में मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का CCTV फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मॉर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी सल्पिकता का पता लगाते हैं।
मिलोस सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मिलो उससे मिलने जाता है, जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मिलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मॉर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मिलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मॉर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है, जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मॉर्बियस भाग जाता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है, क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिक्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मॉर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मॉर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मॉर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है, जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है, लेकिन उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मॉर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मॉर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लूकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जैरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अराध प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नज़र आए और मैट स्मिथ हमें लुकिना या मीलो के रोल में नज़र आए और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल
निकोलास के रोल में, और अल मैड्रिगल एज एल्बर्टो रॉड्रिग्यूज़ के रोल में, और टायरिस गिब्सन एज साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मोर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मिलो रखा। वे अपने साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दत्तक पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मोर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मिलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मोर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है, ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मिलो को सूचित करने के बाद मोर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मोर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है, जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है, तो एक भयानक मोर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का सीसीटीवी फुटेज। मोर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मोर्बियस के पीड़ित की जांच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मिलो सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मिलो उससे मिलने जाता है, जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मिलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मोर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मिलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मोर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है, जैसे उसके पास है। अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं, मोर्बियस भाग जाता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है, क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिग्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मोर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए। इस मीडिया को जारी करें, निकोलस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मोर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मोर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है, जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मोर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मोर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और
एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2/10 रेटिंग दी है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा, और इस मूवी को लिखे मैट सजामा, बुर्क सार्प्लेस, और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लुकास फोस्टर, और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जैरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड, और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, आराध प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कारसो में रिलीज हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नजर आए, और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलू के रोल में नजर आए, और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में, और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में, और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में, और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपनी साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दतंग पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का CCTV फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोड्रिगो मॉर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी
सल्पिकता का पता लगाते हैं। मिलो सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मिलो उससे मिलने जाता है जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मिलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मॉर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मिलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मॉर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मॉर्बियस भाग जाता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिक्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मॉर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए। इस मीडिया को जारी करें, निकोलस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मॉर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मॉर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मॉर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मॉर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लूकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जैरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, आराध प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कारसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नजर आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलो के रोल में नजर आए।
और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में और जेरिड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में और अल मैड्रिगल एज अ एल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मोर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपने साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दत्तक पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मोर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मोर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मोर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है जबकि इलाज काम करता है। यह मोर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है तो एक भयानक मोर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का सीसीटीवी फुटेज। मोर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति गति सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मोर्बियस के पीड़ित की जांच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मीलो सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मीलो उससे मिलने जाता है जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मीलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला मोर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मीलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मोर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है जैसे उसके पास है अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मोर्बियस भाग जाता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मीलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मीलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिग्स को मीलो के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मोर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मीलो को पहचानता है और उसे रोकने की विनती करता है। मोर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मीलो घाव करता है और उसे मोर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मीलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मोर्बियस मीलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मीलो मर जाता है और मोर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है।
उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा, और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस, और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लूकास फोस्टर, और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जेरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड, और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए जॉन एक्सट्रैंड, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल इंटरटेनमेंट, अरात प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 10th मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई, और 1st अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट 75 मिलियन से 83 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जेरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नजर आए, और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलू के रोल में नजर आए, और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में, और जेरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में, और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में, और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपनी साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दत्तक पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है, ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है, जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है, तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का CCTV फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मॉर्बियस के पीड़ित
की जांच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मिलो सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मिलो उससे मिलने जाता है जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मिलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मोर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मिलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मोर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मोर्बियस भाग जाता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिग्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मोर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मोर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मोर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मोर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मोर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मोर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मोर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मोर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, मोर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड मैट टॉलमैच लुकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो मैट स्मिथ एड्रिया आर्जोना जैरेड हैरिस एल मैड्रीगल टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया। इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स मार्वल एंटरटेनमेंट आराध प्रोडक्शंस मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मोर्बियस के रोल में नज़र आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलो के रोल में नज़र आए।
और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में, और जेरिड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में, और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में, और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मोर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपनी साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दत्तक पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मोर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मोर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है, ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मोर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मोर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है, जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है, तो एक भयानक मोर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का सीसीटीवी फुटेज। मोर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मोर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मीलो सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली, जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मीलो उससे मिलने जाता है, जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मीलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मोर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मीलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मोर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है, जैसे उसके पास है अपने भाई को चोट पहुँचाने के लिए तैयार नहीं। मोर्बियस भाग जाता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मीलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मीलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है, क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिग्स को मीलो के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मोर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मीलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मोर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मीलो घाव करता है और उसे मोर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है, जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मीलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मोर्बियस मीलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मीलो मर जाता है और मोर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है।
उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड, मैट टॉलमैच, लूकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो, मैट स्मिथ, एड्रिया आर्जोना, जैरेड हैरिस, एल मैड्रीगल, टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया, इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, आराध प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नज़र आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलो के रोल में नज़र आए और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में और जैरेड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज के रोल में और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मॉर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपने साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दतंग पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस में मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मॉर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मॉर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है जबकि इलाज काम करता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है तो एक भयानक मॉर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का CCTV फुटेज। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मॉर्बियस के पीड़ित
की जांच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मिलो सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मिलो उससे मिलने जाता है जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मिलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मॉर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मिलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मॉर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मॉर्बियस भाग जाता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मिलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मिलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिक्स को मिले के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मॉर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मिलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मॉर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मिलो घाव करता है और उसे मॉर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मिलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मॉर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मॉर्बियस मिलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मिलो मर जाता है और मॉर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डैनियल स्पिनोसा और इस मूवी को लिखे मैट सजामा बुर्क सार्प्लेस और ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी एरेड मैट टॉलमैच लूकास फोस्टर और इस मूवी के स्टारिंग है जैरेड लीटो मैट स्मिथ एड्रिया आर्जोना जैरेड हैरिस एल मैड्रीगल टेरिसा गिब्सन और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं ऑलिवर वुड और इस मूवी को एडिट किए पिएट्रो स्कैलिया। इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन एक्सट्रैंड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट अरात प्रोडक्शंस मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 10 मार्च 2022 को प्लाजा कैरसो में रिलीज़ हुई और 1 अप्रैल 2022 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 104 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 75 मिलियन से $83 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $163.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में जैरेड लीटो एज अ डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के रोल में नजर आए और मैट स्मिथ हमें लुकीना या मीलो के रोल में नजर आए।
और एड्रिया आर्जोना एज अ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के रोल में, और जेरिड हैरिस एज अ डॉक्टर ईमिल निकोलस के रोल में, और अल मैड्रिगल एज अ अल्बर्टो रॉड्रिग्यूज़ के रोल में, और टायरिस गिब्सन एज अ साइमन स्ट्राउड के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ग्रीस के एक अस्पताल में 10 वर्षीय माइकल मोर्बियस अपने सैरोगेट भाई लूसेंस का स्वागत करता है, जिसका नाम उसने मीलो रखा। वे अपने साझा रक्त बीमारी और समान होने की इच्छा से बंधे हैं। उनके दत्तक पिता और अस्पताल के निदेशक निकोलस ने मोर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में भाग लेने की व्यवस्था की, जबकि वह मीलो की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। 25 साल बाद मोर्बियस ने सिंथेटिक रक्त के साथ अपने काम के लिए नोबल पुरस्कार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके सहयोगी मार्टिन बैंक्रप्ट को पता चलता है कि उन्होंने कोस्टा रिका से दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को गुप्त रूप से पकड़ लिया है, ताकि उनकी स्थिति में ठीक करने के लिए उनके जीन को अपने साथ जोड़ सके। अपने नियोजित अवैध प्रयोग के बारे में मीलो को सूचित करने के बाद मोर्बियस को अपने उपकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जांच को तैयार करने के लिए धन प्राप्त होता है, जबकि इलाज काम करता है। यह मोर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है, जो डर के कारण उस पर हमला करने के बाद उनके खून के चालक दल को मार देता है और निकाल देता है। एक बार जब उसकी खून की लालसा कम हो जाती है और वह अपने होश में आ जाता है, तो एक भयानक मोर्बियस सभी को मिटा देता है। अधिकारियों से संपर्क करने और पानी में कूदने से पहले उनके प्रयोग का सीसीटीवी फुटेज। मोर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब अलौकिक शक्ति, गति, सजगता और इकोलोकेशन है। उसके पिशाच चमगादड़ उसे एक बल्ले के रूप में मानते हैं। वो अपने सिंथेटिक रक्त पर तब तक निर्वाह करता है जब तक कि वह धीरे धीरे उसकी ज़रूरत को पूरा करना बंद नहीं कर देता। FBI एजेंट साइमन स्ट्राउंड और अल रोट्रिंगो मोर्बियस के पीड़ित की जाँच करते हैं और उनकी सल्पिता का पता लगाते हैं। मीलो सिखाता है कि मोर्बियस ठीक हो गया है, लेकिन जब मोर्बियस उसे भी ठीक करने से इनकार कर देता है तो वह उग्र हो जाता है। अस्पताल में भर्ती बैंक्रप्ट की जांच के दौरान मोर्बियस को एक मृत नर्स मिली जिसके खून से सना हुआ था। यह मानते हुए कि वह जिम्मेदार था, वह घेरने और गिरफ्तार होने से पहले भागने का प्रयास करता है। जेल में मीलो उससे मिलने जाता है, जो उसे मुक्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करने की पेशकश करता है। ये महसूस करने पर कि मीलो ने अपना इलाज किया और नर्स को मार डाला, मोर्बियस उसका सामना करने के लिए भाग गया। एक अपश्चातापी मीलो अपने खून की लालसा से प्रेरित अपराध को कबूल करता है और मोर्बियस से अपनी शक्तियों को गले लगाने का आग्रह करता है, जैसे उसके पास है, अपने भाई को चोट पहुँचाने के लिए तैयार नहीं। मोर्बियस भाग जाता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट से मिलता है यह समझाने के लिए कि मीलो ने एक नई प्रयोगशाला प्राप्त करने से पहले किया कि और मीलो को रोकने और मारने के लिए पिशाचवाद के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने से पहले किया है। वह इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है, क्योंकि वह अपने खून की लालसा का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। स्ट्राउड और रोड्रिग्स को मीलो के हमलों में से एक के फुटेज मिलते हैं और मोर्बियस को पिशाचवाद पर विश्वास करते हैं फैलने के लिए। इस मीडिया को जारी करें। निकोलस मीलो को पहचानता है और उससे रोकने की विनती करता है। मोर्बियस के लिए निकोलस की कथित वरीयता से नाराज मीलो घाव करता है और उसे मोर्बियस को बुलाने के लिए मजबूर करता है, जो निकोलस को मारते हुए देखता है जबकि मीलो बैंक्रप्ट पर हमला करता है। मोर्बियस बैंक्रप्ट लौट आता है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाती है और वह उसका खून पीता है। मोर्बियस मीलो का सामना करता है और उसे नियंत्रित करने और एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों का एक सेना को बुलाता है। मीलो मर जाता है और मोर्बियस चमगादड़ के साथ उड़ जाता है, अपने परियोजना का शोक मनाता है और एक पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है।
उसे अनजान बैंक्रप्ट खुद को कहीं और एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित करता है। जब वह उसे खिला रहा था तब उसने मॉर्बियस के खून की एक बूंद को निगल लिया था। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मॉर्बियस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, बट आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.2/10 रेटिंग दिया और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स मॉर्बियस, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।